फेस्टिव सीजन से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 6 अक्टूबर को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के भाव में 15 रुपये का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 884 रुपये से बढ़कर 899 रुपये प्रति सिलेंडर हो गए हैं। Well, cooking gas prices were up today by 15 rupees a cylinder. Prices have now gone up of cooking gas by 51% in the last one year. In fact, last October it was 594 rupees per cylinder. Today it's at nearly 900 rupees per cylinder. इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने महंगाई के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर कुछ सवाल उठाए। इस प्रेस वार्ता से केंद्र की मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। फर्क पड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है जितनी मर्जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जितना मर्जी हम दिल्ली देश के जनता के मुद्दों को उठा दें, माफी चाहूंगी, मीडिया में नहीं आएगा। मीडिया में अगर आएगा तो ये आएगा कि कच्चे तेल की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये नहीं बता रहे पूरी खबर में कि कच्चे तेल की कीमतों के बाद 80.75 प्रति डॉलर है, उसके मुताबिक देश में पेट्रोल की कीमत 41 रुपए है, बाकी सारा क्या है, 103 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। पता नहीं पत्रकार साथियों की तरफ से ये मांग क्यों नहीं होती, मिल जाइए ना एक बार, सब लोग मांग करिए कि प्रधानमंत्री जी अब तो बहुत हो गया, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दीजिए, विपक्ष को भी जवाब दे ही दीजिए। राहुल गांधी जी आपके बीच में कल भी थे, ये सवालों की जो ज्वाला है आपके मन में भी, और देशवासी जो जवाब की आस में 7 सालों से बैठे, भड़क रही है, भड़क रही है। इस पर लोगों ने कुछ ट्वीट भी किए, देखते हैं लोग इस पर क्या सोच रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, राकेश झुनझुनवाला, आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक मार्केट मोदी जी, आई एम बुलिश ऑन पेट्रोल प्राइस। एक और यूजर ने लिखा, नवरात्रि गिफ्ट फ्रॉम मोदी जी, चांसेस आर गिफ्ट विल कंटिन्यू कमिंग इन फॉर नेक्स्ट 9 days। एक ने लिखा, Since the petrol prices have already crossed rupees 100, work from home is the only option left. एक यूजर ने लिखा, बहुत महंगाई है रे बाबा, प्याज का रुलाना फिर चालू, सिलेंडर इतने महंगे हैं कि गरीब ने छोड़ रखा भरवाना, क्या फ़ायदा घर घर रसोई गैस पहुंचाना। जब भी महंगाई के मुद्दे पर डिबेट में सवाल होने शुरू होते हैं तो भाजपा नेता सरकार की तारीफ करने में लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ न्यूज 24 की एक डिबेट में देखने को मिला, जब एंकर ने महंगाई पर सवाल किया तो भाजपा नेता सरकार की स्कीम गिनाने लगे। 9 बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, पिछले साल जब $19 आपने माना कच्चे तेल की कीमतें गई थी तो तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कम हो सकते थे, तब आपने एक मुश्त 10 रुपए और 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जो आज तक नहीं घटी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आज उज्ज्वला योजना से लेकर जो सारे सोशल वेलफेयर कार्यक्रम हुए हैं, जनधन योजना, उन सब में ये इन पैसों का सदुपयोग हुआ है। पिछले दिनों गुजरात के मुंद्रा अडानी पोर्ट से 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ बताई जा रही थी, लेकिन मीडिया में इस मुद्दे पर सन्नाटा छाया था कि मानो ये बड़ा मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया, याद करिए जुलाई 2021 में भी छोटी थी चाहे 354 किलो हीरोइन 2500 करोड़ की लागत की दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ी थी। मई 2021 में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हीरोइन पकड़ी। इसके मतलब क्या है साथी? इसका मतलब ये है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हीरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है और बेच रहा है। जिस आशी ट्रेडर्स के नाम पर आयात निर्यात का लाइसेंस लिया गया, वो तो अब कहा जा रहा है कि वो तो कोई छोटे मोटे एजेंट्स हैं जिन्हें 10-15 लाख का कमीशन मिला था। यानी ड्रग कार्टल और उसके माफिया खुले घूम रहे हैं। खैर, इसके बाद भी ऐसा लगा कि गोदी मीडिया के लिए मुद्दा कोई जरूरी नहीं है। हाल ही में ड्रग को लेकर आई एक खबर में मीडिया काफी सक्रिय हो गया, क्योंकि इसका सीधा ताल शाहरुख खान से जुड़ा था। एनसीबी ने रविवार को गोवा जाने वाले कार्डिलिया क्रूज पर छापेमारी के दौरान प्रमुख बॉलीवुड नेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, 7 अन्य को ड्रग्स जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा उन्हें आर्यन के पास कुछ नहीं मिला, हालांकि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से केवल 6 ग्राम चरस जरूर बरामद की गई थी।
इस मुद्दे पर मीडिया ने एक एक कर डिबेट करने शुरू कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रेप पार्टी के आरोप में 8 लोगों को पकड़ा है। विद द अरेस्ट ऑफ शाहरुख खान सन आर्यन खान वाज आल्सो प्रेजेंट इन अ हाई प्रोफाइल क्रूज रेड। इट इज माय अटमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सपोज द स्मक। थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलने पर मीडिया ने डिबेट की और जो 3000 किलो पकड़े गए उस पर मीडिया ने एक भी डिबेट नहीं की। इसके साथ ही लखीमपुर के किसानों के साथ एक घटना हुई और इस घटना में कई किसानों की मौत भी हो गई। इस घटना के पहले कुछ वीडियोस वायरल हुई, मीडिया ने इसमें सरकार को बचाना शुरू कर दिया और किसानों पर इल्जाम लगाने शुरू किए। धीरे धीरे कुछ और वीडियोस भी वायरल हुए। अब इस पर पुलिस जांच कर रही है और विपक्ष दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार NDTV पर अपने शो में मीडिया को फटकार लगाते नजर आए। आज गांधी होते और चंपारण जा रहे होते तो गोदी मीडिया के एंकर गांधी को भी आतंकवादी बता रहे होते और कह रहे होते कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आकर चंपारण राजनीतिक पर्यटन करने जा रहे हैं। किसानों के पास गांधी चलकर नहीं गए होते तो आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण मोड़ आता ही नहीं। अगर वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह में किसानों के बीच नहीं गए होते तो वहां की महिला किसानों ने उन्हें सरदार नहीं कहा होता। गोदी मीडिया ने आपकी नजरों में लोकतंत्र की हत्या की प्रक्रिया पूरी कर दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बढ़ती महंगाई पर अपनी राय के बारे में भी कमेंट करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।